हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 76 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले बायो से, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ओके, अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप video.com से वीडियो डॉट एप्लीकेशन डाउनलोड करके VLC मीडिया प्लेयर से चलाएंगे, आपको फुल स्क्रीन चलेगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं बायो से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर ओपोइड ड्रग्स, कौन सा इनकरेक्ट है? तो आंसर हमारा ये होगा, दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन CNS ओनली। तो यहाँ CNS ओनली नहीं होते हैं, GIT भी होते हैं। BCD जो है सही है। इट इंक्लूड्स हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक एंड इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। इट इज व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। ओपोइड्स आर ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इंक्लूड्स नेचुरल ओपिएट्स कोडीन एंड मॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक ओपियोड ओपिएट हीरोइन विच इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हाउ मेनी पेटल्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर ऑफ मकोई? आंसर B5। मकोई जो होता है वो सोलानेसी फैमिली का होता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस हैविंग 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, 5 पेंडोसियम एंड 2 कार्पेल्स। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी गिवन बाई किलर टी सेल्स। सेकेंड एनेमेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स टाइम टेकिंग स्लो इम्यून रिस्पॉन्स। थर्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। आंसर हमारा डी जो है, ओनली 3 जो है हमारा करेक्ट मैच है, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड AMI और HI, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर एन आर्मी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाई बी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनामेस्टिक रिस्पॉन्स विच आर वेरी फास्ट रैपिड एंड क्विक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टू डेट बाई नॉर्मन मेयर्स? आंसर B34। नॉर्मन मेयर आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स रीजन्स विथ वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। इनिशियली 25 हॉट स्पॉट्स वेर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर वेर एडेड टेकिंग द टोटल नंबर टू 34। ओके, और आपका इस टेस्ट का क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, कमेंट में जरूर बताएं। अगले जो वीडियो है उसमें आपको आपका नाम इसमें लिया जाएगा। ओके, द टू मोस्ट ड्रेडफुल एंड फेटल डिजीज थ्रू आउट वर्ल्ड आर? आंसर डी सॉरी आंसर बी कैंसर एंड एड्स। एमंग ऑल नॉन इन्फेक्शस डिजीज कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। एमंग ऑल इन्फेक्शस डिजीज एड्स डिजीज इज मोस्ट फेटल। दीज टू डिजीज काउजेज डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल वर्ल्ड वाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया? आंसर डी ऑल ऑफ दीज। मेटल डिटार्डेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स और ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। टैक्सोन इज आंसर डी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इन ह्यूमन फीमेल? तो आंसर सी जो है, सेक्रेट्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये गलत है। और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले भी मॉक टेस्ट में आ चुका है। और ए बी और डी जो है वो फंक्शन है प्लासेंटा के। एक्सक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन, फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रियो और इट इंड्यूसेस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फॉर चाइल्ड बर्थ। द प्लासेंटा इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन व्हिच अटैचेस द फीटस टू द मदर्स बॉडी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। इट इज एन इंपॉर्टेंट टेम्पोररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑल्सो एज इट सीक्रेट सेवरल हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इंक्लूड HCG, HPL, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन ऑल्सो। इट डज नॉट सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस एंड इज स्टोर्ड इन द पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड।
इन यूकैरियोटिक सेल्स द प्रोटीन्स दैट विल फंक्शन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर मेड बाय, आंसर ए राइबोजोम्स इन न्यूक्लियोलस। राइबोजोम्स आर मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर आर एन ए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोजोम फैक्ट्री ऑफ सेल। द सिंथिसिस ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन विच मेक्स राइबोजोम्स अकर्स इन न्यूक्लियोलस। डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन प्लांट शोज इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आंसर ए ऑक्जीन। जिंक फंक्शन एज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज विच इज नेसेसरी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्जीन फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन। दस इन डिफिशियंसी ऑफ जिंक बायोसिंथेसिस फेल्स टू अकर। इन अ ह्यूमन फीमेल इफ द ड्यूरेशन ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 34 डेज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ल्यूटियल फेज एंड एट व्हाट डे ओव्यूलेशन अकर इन दिस वोमन, आंसर ए 14 डेज एंड 12 डेज। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द प्राइमेट फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमंग ऑल थ्री फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज इज मोस्ट कॉन्स्टेंट फिक्स्ड एंड इज ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज। डे ऑफ ओवुलेशन वोमेन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। सो यहाँ पे 34 डेज है तो 34 माइनस 14 करेंगे तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये यहाँ पे कह रहा है इन टेडोफाइट्स सेलाजिनेला सेल्विनिया स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेली और कोन्स, सही है। बी यहाँ पे कह रहा है द टेडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स, ये भी सही है। सी यहाँ पे कह रहा है द टेडोफाइट इन टेडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, ये भी सही है। और यहाँ पे इनकरेक्ट कर रहा है तो आंसर डी होगा, इन टेडोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, तो ये यहाँ हमारा गलत होगा क्योंकि वो गेमस होते हैं। इन टेडोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूगेमस इन विच मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस्ड। द मेल सेक्स ऑर्गेन इज एंथेरेडियम विच प्रोड्यूसेस अ फ्लैजेलेटेड मेल गैमिट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन इज आर्चिगोनियम विच प्रोड्यूसेस सिंगल फीमेल गैमिट कॉल्ड एग सेल। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, आंसर डी प्रोटिस्टा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का तो फिल करके रीड कर लेते हैं। हमारा आंसर होगा ए एक्स होगा लेबिया माइन्यूरा और वाई होगा यूरेथ्रल। द क्राइटोरियस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइन्यूरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग और ऑर्फिस। ओके नेक्स्ट, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू, आंसर बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनके भी ट्रिक्स हमने बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके ट्रिक्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी और मोस्ट व्यूड ट्रिक्स है। ओके, द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स इज कॉल्ड, आंसर ए फिशरी। द फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अक्वा कल्चर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। पीसी कल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आंसर इज सी इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ये हमारा गलत है। और ए बी डी जो है सही है, इट रिकॉग्नाइजेज ऑफ एटॉमिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट इज एन इंडोन्यूक्लिएज और इट प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इज यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजेकुलेट्स, आंसर डी बोथ ए एंड सी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। फॉर आइसोलेशन ऑफ डी एन ए सेल्स आर ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक लाइजिंग इंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग इंजाइम, आंसर विल बी सी एल्गी को मिथाइलेशन से नहीं करते हैं, बाकी ए बी और डी सही है। बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से डिग्रेड करते हैं इसका सेल वॉल, प्लांट सेल्स को करते हैं सेलुलेज से और फंजाई को काइटिनेज से। दस अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, दस इज डिग्रेड दस टू डिग्रेड इट्स सेल वॉल इट इज टू बी ट्रीटेड विद द इंजाइम सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन
which is degraded by lysozyme. The cell wall of fungi is made of chitin and thus it has to be treated with chitinase. Which of the following is not a characteristic of an ideal contraceptive? Answer D. It should interfere with sexual desire and or the sexual act of the user. ये हमारा गलत होगा. बाकी ये भी से सही है. It should be user friendly and easily available. It should be effective and reversible. और it should be with no or least side effects. Okay. और ये जो क्वेश्चन था पहले भी रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में. शायद एक या दो टेस्ट मॉक टेस्ट पहले का था ये क्वेश्चन. When a vector takes up foreign DNA segment, then it is known as answer D, recombinant vector DNA. How many of the following statements are incorrect? First, decomposition is largely an anaerobic process. Second, fragmentation, leaching and catabolism occurs simultaneously on detritus. Third, the vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. Fourth, the pond is a deep water body. Or fifth, यहाँ पे the rate of decomposition is controlled by the chemical composition of detritus and climatic factors. Okay, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने incorrect होते हैं. यहाँ पे total जो है 2 incorrect हैं. Decomposition is largely an aerobic process होते हैं और require करते हैं oxygen, इसलिए first जो हमारा वो wrong हो जाएगा. और सेकंड यहाँ पे कह रहा है अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एग्जीबिटेड. तो यहाँ पे कह रहा है द पॉन्ड इज अ डीप वाटर बॉडी, तो ये गलत होगा. शैलो वाटर बॉडी होते हैं, इसलिए दो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है. बाकी सारे सही हैं. सेकंड सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है. रीड द फॉलोइंग मैसेज अबाउट कोल्टेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, Petromyzone belongs to Cyclostomata and are endoparasitic on some fishes. तो यहाँ पे read the message and यहाँ पे incorrect पूछ रहा है. Select the incorrect statement. तो यहाँ बोल रहा है endoparasite on fishes. तो endoparasite नहीं होते, exoparasite होते हैं, ectoparasite. इसलिए हमारा first गलत है. Second यहाँ पे कह रहा है a scoliodon, a chondrichthyes in which teeth are modified placoid scales. तो ये हमारा सही है. थर्ड यहाँ पे कह रहा है हिप्पोकैम्पस अ कार्टिलेजिनस एक्वेरियम फिश नोन एज अ सी हॉर्स. तो ये भी हमारा गलत होगा. एक्वेरियम फिश नहीं है, ये सी फिश है, ओशन में होते हैं. और फोर्थ यहाँ पे कह रहा है इचियोफाइसिस इज अ लिम्बलेस विविपेरस एम्फीबियन विच विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो ये भी हमारा गलत है. पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमाटा एंड आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज. हिप्पोकैम्पस अब बोनी, ठीक है, कार्टिलेजस नहीं होते हैं, बोनी होते हैं. बोनी नॉन एक्वेरियम फिशेज नोन एज सी हॉर्स. और इचियोफाइसिस इज लिम्बलेंस होबीपेरस एम्फीबियन विच इज विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट पूछा था. ठीक है, और करा अस्कोलिडियन कॉन्ड्रिक्थिज इन विच टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स, जो सही था. ओके, A more accurate measure of biomass will be in terms of answer A, dry weight. Which of the following will be least adversely affected by predation? Answer D, lion, क्योंकि ये top consumers हैं. Read the following statements and select the true and false statement. ये यहाँ पे कह रहा है, a notochord is an ectodermal derived rod-like structure in chordates. तो ये हमारा गलत होगा. एक्टोडर्मल नहीं होते हैं. बी यहाँ पे कह रहा है प्लैटीहेलमिंथेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स. ये भी हमारा फॉल्स है. सीडोसिलोमेट होते हैं निमेटीहेलमिंथस. और सी यहाँ पे कह रहा है द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया, तो मेटास्टेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं. और फिर डी यहाँ पे कह रहा है इन तीनों फोरा ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड. तो ये हमारा सही होगा. ओके, कह रहा है नोटोकॉर्ड इज अ मिसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्डेट्स.
प्लैटी हेलमिंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स, एस्के हेलमिंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट एनिमल्स, द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल? आंसर बी कार्बोक्सीलेशन। कैल्विन साइकिल सकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन विच फिक्सेशन ऑफ सीओ टू टू फॉर्म ग्लूकोज अकर्स। इन दिस द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन इन विच गैसेस सीओ टू इज ट्रैप्ड बाई प्लांट्स मेडिटेट बाई इंजाइम रूबिस्को एंड इनिशियल सीओ टू एक्सेप्टर इज 5 कार्बन आर यू बी पी। Which of the following tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions? Answer D. Nervous tissue. Nervous tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. The neuron and neuroglial cells of this tissue can control and coordinate the all activities of human body. In which group of plant kingdom gametophyte is dependent on a sporophyte? Answer D. Gymnosperm. The brood pouch in female cockroach is formed by answer A. 7th, 8th and 9th sterna. The female cockroach, the 7th sternite is largest and boat shaped. The brood pouch or genital pouch is formed by overlapping of 7th sternite with 8th and 9th sterna, whose anterior part contains female gonophore, spermatheca, pores and collateral glands. Match the column and select the correct option from the following. तो यहाँ पे होगा A का second यानी completely condensed chromosome metaphase, B division of centriole का third यानी S phase में होते हैं और C nuclear membrane Golgi body ER disappear, तो C का होगा 1 यानी prophase में और splitting of centromere होते हैं 4 में यानी anaphase 2 में होते हैं। In the structure of a human neuron, the nodes of Ranvier are present on answer D, both A and C, yani spinal and cranial nerve, autonomic and somatic neural system. Schwann cell form myelin sheath around axon. The gaps between two adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier. Myelinated or medullated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fibers fibers commonly found in autonomous and the somatic neural system. In the filiform apparatus has 28 chromosomes, then what will be their number in the nucleus and funicle of the cell respectively? Answer C, 56 and 56. Filiform apparatus are finger-like projection present on synergids present in embryo sac. Synergids are haploid cells as they are part of female gametophyte, thus n equal to 28. Nucleus and funicle are diploid, thus they will have 56 chromosome each. With reference to different structures of the human brain, which one is an incorrect match? Answer C jo hai incorrect hai. Medulla oblongata controls respiration, cardiovascular reflexes, excitement and आज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हमारा गलत होगा। बाकी ए बी और डी सही है और ये जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में भी आ चुके हैं। थैलेमस है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी मोटर सिग्नलिंग। बी यहाँ पे एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। और डी यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम है अलॉन्ग विथ द हाइपोथैलेमस। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड expression of emotions. Medulla oblongata and hind brain contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretion and vomiting. Hypothalamus of fire forebrain contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. Which of the following is a primary metabolite? Answer C, glucose. कॉलम मैच द कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट सिनोवियल ज्वाइंट, तो यहाँ पे उसका होगा फर्स्ट यानी रेडियस और अल्ना के बीच में। सेकंड है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, तो होगा बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। और सी है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उसका होगा सेकंड यानी बिटवीन द कार्पल्स। और फाइब्रस ज्वाइंट होंगे बिटवीन
क्रेनियल स्कल बोन्स। ओके, तो ये भी एक न्यू टाइप का वैरायटी क्वेश्चंस है, तो इस टाइप का भी आ सकता है। और जितने भी जॉइंट्स के ट्रिक हैं, ग्लाइडिंग के, फाइब्रस के, सिनोवियल के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस ट्रिक को आप जरूर देखें। सारे जो भी जॉइंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स ट्रिक हैं, सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवेन आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कितने गलत है, सॉरी हाउ मेनी। फर्स्ट यहाँ पूछा गौरव, अ वेराइटी ऑफ ब्रैसिका इज डिजीज रेजिस्टेंस फॉर बैक्टीरिया। सेकंड यहाँ पे है जया एंड रत्ना वेराइटी ऑफ व्हीट, तो व्हीट नहीं होते हैं, राइस होते हैं। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, तो ये भी हमारा सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है पूसा सुवानी जो वेराइटी ऑफ ब्रैसिका। फिफ्थ यहाँ पे कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है टोटल, यहाँ पे पांच में से तीन टोटल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। अ मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स एज दोज फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक्स ट्रेड सच एज एल्ड और क्वालिटी। पूसा गौरव इज अ वेराइटी ऑफ ब्रैसिका रेपसीड मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड विच इज रेजिस्टेंस टू एफिड्स। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज आर डिराइव फ्रॉम IRA डेवलप्ड एट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस एंड टाइचुंग नेटिव फर्स्ट फ्रॉम ताइवान। द डेरिवेटिव्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 लेटर बेटर यील्डिंग। सेमी ड्वार्फ वेराइटी जया एंड रत्ना वेयर डेवलप्ड इन इंडिया। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन्स। पूसा सुवानी इज द पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ओखरा भिंडी विच इज रेजिस्टेंस टू सूट एंड फ्रूट बोरर्स। ओके, और कह रहा है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और इस प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन पूछता करो, जो वेराइटी ऑफ ब्रैसिका इज डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ब्रैसिका पूछता गौरव इज वेराइटी ऑफ ब्रैसिका। ओके, ये रेजिस्टेंस टू एफिड्स होते हैं, ठीक है, और इसलिए हमारा फर्स्ट गलत होगा और सेकेंड भी हमारा यहाँ गलत है। जया और अपना जो वेराइटी हो राइस का है, और पूसा स्वानी जो होते हैं वेरायटी ऑफ, हमने यहाँ देखा कि पूसा स्वानी जो है वो वेरायटी ऑफ हमारा भिंडी है, ओखरा भिंडी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इसको आप एक बार जरूर NCERT से रिवाइज कर लेना, स्ट्रेटजीज ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्शन में। 38 यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। आंसर बी ऑस्टियोपोरोसिस। इन कैस्टर प्लांट आंसर बी जी टोनोगोमी इज पॉसिबल। अ डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट देन द प्लांट इज मोनोसियस। इट इज डिवाइस टू प्रिवेंट ओटोगोमी बट नॉट जी टोनोगोमी। इट इज ऑब्जर्व इन प्लांट्स लाइक कैस्टर एंड मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। आंसर सी हाइपोथैलेमस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इज, आंसर ए एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसुपिनेट ओव्यूल और इन्वर्टेड ओव्यूल, इन विच ओव्यूल इज कर्व डाउन एज रिजल्ट माइक्रोफाइल कम्स टू लाइक क्लोज टू फ्यूनिकल। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। आंसर बी ग्रेव्स डिजीज। डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू हाइपो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन। क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू डिफिशियंसी हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन। एडिसन डिजीज इज ड्यू टू हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन। और ग्रेव्स डिजीज और एक्सोथैल्मिक गॉइटर इज ड्यू टू हाइपर थायरॉयडिज्म। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। क्लोरेला है, रिक्सिया, पाइसम, क्लैडोमोनास, साइकस, टिकोमोनास
टेरिडियम, सिप्सेला, ग्रोनिलैक्स, इगुलिना, अमीबा, फाइशेरम, फ्यूकस और कारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग, यहाँ पे आंसर होगा D6, यानी अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल यूनिसेलुलर रिक्वायर्ड्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सो यहाँ पे होगा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, गोनाइलैक्स, इगुलिना, अमीबा, फाइसेरम, जो स्लाइम मॉडल्स में आते हैं, आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। Which of the following sets of hormones are lipid soluble and give a physiological response by changing the gene expression? Answer will be A, estrogen, thyroxine और cortisol। जितने भी lipid soluble हैं सारे हैं। Lipid soluble hormones are steroidal hormones, iodothyronines and adrenocorticoid hormones. These hormones can easily enter inside the target cells to bind with their specific intracellular receptor and gives physiological response by changing gene expression. Bacteriophages are generally answered B, dsDNA viruses. Bacteriophages are virus that lives as parasite inside bacterial cells. Bacteriophages generally has double-stranded DNA as their genetic material. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से तो फिल रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा बी होगा, एक्स इक्वल टू 1100 टू 1200 एमएल और वाई 125 एमएल। अबाउट 1100 टू 1200 एमएल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन टू फॉर्म 125 एमएल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इन द बाउमर्स कैप्सूल पर मिनट। Which of the following is the most abundant of all cells found in the blood of humans? Answer will be B, erythrocytes. Erythrocytes of RBC are the most abundant in all cells in the blood of human. In which of the following plants in a is a tricarpellary syncarpus gynoecium found? Answer A, onion, यानी लिलियसी फैमिली के। Which one of the following is correct for the mitral valve of the human heart? Answer will be C. Its closure is associated with the heart sound lobe. Which cells of the gastric gland of the stomach secrete castor interaging factor essential for absorption of vitamin B12? Answer होगा D. Both B and C यानी पैरेटल सेल को ही ऑक्सिनेटिक सेल बोलते हैं। Lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. This condition does not belong to which plant? Answer D. Oxalis. In banana, chrysanthemum and pineapple, lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लिफी सूट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिस कंडीशन डज नॉट बिलोंग टू, तो डज नॉट बिलोंग होते हैं ऑक्जियालिस में। ऑक्जियालिस में होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो सेल्फ फर्मेंटेशन होते हैं उसमें। विच द फॉलोइंग कंडीशन इज फाउंड इन द एल्वियोली विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जी हेमोग्लोबिन? आंसर सी, लो टेम्परेचर। इन एल्वियोलाई देयर वेयर देयर इज हाई PO2, लो CO2, लेसर एच प्लस कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन, वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हिमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, कौन कौन सा कंडीशन है ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, कौन कौन सा डिसोसिएशन के फेवरेबल है, तो आप ये जरूर याद रखें। हर्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है। रीड लगभग अप्रोक्स द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 2 4। हाउ मेनी स्टेप्स इज करेक्ट फ्रॉम द अबव? फर्स्ट है द मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ईसीजी ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, कौन सा करेक्ट है? सेकंड यहाँ पे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट। थर्ड यहाँ पे है द सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ बोथ सेमुलर वाल्व्स।
फोर्थ हाइपर टेंशन इज डिनोटेड बाई द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन एमएम ऑफ मरकरी प्रेशर। तो आंसर हमारा डी होगा, वन द मशीन दैट इज यूज टू ऑब्टेन ईसीजी ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर कार्डिक साइकिल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, और द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बोथ सेमी लूनर वाल्व्स। ओके, तो आंसर हमारा केवल फर्स्ट जो है वो सही होगा, बाकी जो है और स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसलिए आंसर डी होगा, वन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ए द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर सेलुलर लेयर्स। बी यहाँ पे कह रहा है द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन एमएमएचजी आर द सेम फॉर बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द अबव स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा बी होगा, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स विच इंक्लूड्स थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्विओलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्विओलर में कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम। देयरफॉर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हैज ओनली टू सेलुलर लेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग सेल विच लैक्स न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। आंसर बी मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट पजेज अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। मैच्योर वेसल एलिमेंट्स आर डेड सेल्स विच लैक्स बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑन मैच्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स और एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉजी। आंसर डी ऑल ऑफ दीज, यानी ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स और फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले मॉक टेस्ट में रिपीट कर चुके हैं। गिवेन फिगर इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम शोइंग इट्स सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेलर एंड एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी। तो ए यहाँ पे होगा फेलेम, बी फेलोजेन, सी प्राइमरी जाइलम और डी होंगे सेकेंडरी जाइलम। ओके, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आंसर बी पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स इन विच द एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर फाउंड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड्स एंड एमिनो ग्रुप ऑफ सेकेंड एमिनो एसिड। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ। आंसर ए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर ब्रांचिंग डिसेंट, इट एक्सप्लेन्स द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, एंड सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए ईआर डिवाइड्स द इंटर सेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, सही है। बी यहाँ पे कह रहा है द सीस एंड ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये भी सही है। सी यहाँ पे कह रहा है लाइसोजोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे कह रहा है इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये भी हमारा सही है, इसलिए आंसर होगा ए ए बी सी डी ऑल करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर बी सी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज इन सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल। सो 9+0 अरेंजमेंट एट सेंट्रोमेयर ऑन क्रोमोजोम टू प्रोटीन्स डिस्क आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। हेटरोक्रोमेटिन इज अ डार्क स्टेन एंड टाइटली क्वाइल्ड रीजन ऑफ क्रोमोजोम्स विच इज इनएक्टिव। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड। आंसर सी पार्थेनोकार्पिक। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। आंसर बी थ्री। एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम फंक्शन फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल विच इज जनरली चैलेंजल मेगास्पोर एंड रिमेनिंग थ्री
डीजेनरेट्स, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज थ्री माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द आंसर विल बी ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड विच डू नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द इंजाइम रिकम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग एस एस सी प्रोफेज फर्स्ट। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स बाय मियोसिस एंड इंजाइम रिकम्बिनेज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर विच अकर्स ड्यूरिंग पैकेट इन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। द स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपेयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिस्ट ऑफ द क्रोमोजो होमोलोगस क्रोमोजोम्स। विच इंजाइम ऑफ द टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आंसर सी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑल द इंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट इंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। द इंजाइम दिस इंजाइम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईटीएस एंड इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन आंसर विल बी सी मोलिबडेनम। मोलिबडेनम इज कंपोनेंट ऑफ इंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिएक्टेज बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म। द इंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मोलिबडेनम आयरन प्रोटीन एंड कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर ऑब्जर्व। फर्स्ट यहाँ पे है द पीएच ऑफ मैट्रिक्स इंक्रीजेज सही है। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है एटीपी सिंथेसाइजेज वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी व्हेन अ पेयर ऑफ द प्रोटीन इज ट्रांसफर्ड बैक टू द मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल सही है। और थ्री यहाँ पे कह रहा है एनएडी प्लस इज ऑक्सीडाइज। ये भी सही है। आंसर होगा डी वन टू थ्री करेक्ट हैं सारे। पीएच ऑफ मैट्रिक्स इंक्रीज अब एज प्रोटोन्स आर ट्रांसफर टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एनएडी प्लस इज ऑक्सीडाइज एज इट गिव्स इट्स हाइड्रोजन टू कम्प्लेक्स वन ऑफ एटीएस। वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय एटीपीएज व्हेन अ पेयर ऑफ वन पेयर प्रोटोन मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन इन पीएमएस टू मैट्रिक्स। इफ वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज -30 bar एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज -62 bar देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टर्गर प्रेशर डेवलप्ड इन द सेल। आंसर विल बी डी 32 bars। प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर ऑफ सेल इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। इट इज डिटरमाइंड बाय साई पी इक्वल टू साई डब्ल्यू माइनस साई एस इक्वल टू -30 माइनस -62 इक्वल टू 32 bar। फॉर फिक्सेशन ऑफ वन सीओ टू मॉलिक्यूल इन सी थ्री प्लांट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2आर। आंसर विल सी 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच2। ओके। द रिडक्शन ऑफ सीओ टू टू कार्बोहाइड्रेट्स नीड्स असिमिलेटरी पावर्स दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच2। इन कैल्विन साइकिल सीओ टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज आरयूबीपी। द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन इज रूबिस्को। इन दिस साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर ग्लूकोज 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच2 आर यूज्ड। फॉर स्टिमुलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू इट नीड्स 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच2 मॉलिक्यूल्स। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन आंसर सी फोटो पेरियोडिज्म। फाइटोक्रोम इज अ फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच मेडिएट्स सेवरल डेवलपमेंटल एंड मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट इन टू लाइट प्लांट्स टू लाइट। दिस इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। बॉर्थविक हेडिक्स एंड पार्कर इन 1952 डिस्कवर्ड फाइटोक्रोम विच इज अ पिगमेंट दैट रिसीव्ड लाइट एंड एग्जिस्टेड इन इन टू इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म एंड इनएक्टिव फॉर्म पी आर एंड पी एफ आर।
सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल आंसर विल बी ए बाइनरी फ्यूजन सार्गेशम। सार्गेशम इज अ मल्टी सेलुलर ब्राउन एल्गा। इन ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम आइसोगेमी एन आइसोगेमी टू ऊगेमी। बाइनरी फ्यूजन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स आर ड्यू टू आंसर विल सी टर्शियरी कॉन्फिगरेशन। प्राइमरी प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। इन सेकेंडरी प्रोटीन्स क्वाइलिंग ऑफ और फोल्डिंग अकर्स। इन टर्शियरी प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग अकर्स विच मेक्स द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। मोस्ट एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। इन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड्स आर क्वाइल्ड टुगेदर। होलो इंजाइम इज कंपोज ऑफ आंसर ए नॉन प्रोटीन एंड एपो इंजाइम। होलो इंजाइम इज एन इंटायर कंजुगेटेड इंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन कंपोनेंट एन एपो इंजाइम एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अ को इंजाइम और एन एक्टिवेटर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके तो यहाँ पे ये कह रहा है GAESC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इज। ठीक है सही है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होते हैं इसके फुल फॉर्म। बी है PCR एनालाइजर आर टेक्निक दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ इजली डायग्नोसिस। ये भी सही है। सी यहाँ पे कह रहा है RDNA थेरापेटिक इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। और डी यहाँ पे कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस आर बींग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन तो ये भी हमारा सही है। आंसर हमारा होगा सी RDNA थेरापेटिक डू नॉट इंड्यूसेस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थुरिंजियनसिस गेट्स एक्टिवेटेड इन आंसर सी अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियसली नीट नीट एग्जाम में आ चुका है और एनटी अभ्यास में भी आ चुके हैं मॉक टेस्ट में। बी और डी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर आर गिवेन। सैंपल ए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। बी ओ डी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर आर गिवेन। सैंपल ए बी ओ डी इक्वल टू 5। सैंपल बी ओ डी इक्वल टू 12। सैंपल सी बी ओ डी है 2 और सैंपल डी का बी ओ डी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो 7 है। विच ऑफ द एबव गिवेन सैंपल विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ डैफनिया। तो आंसर होगा बी यानी कि बी सैंपल है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसे बहुत हाई है यानी कि डैफनिया जो होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं ज़्यादा। तो आंसर होगा बी यानी कि डैफनिया इज इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर दस इट इज नॉट फाउंड इन द पॉल्यूटेड वाटर। ओके एक मिनट वैल्यूज ऑफ सैंपल्स आर गिवन। लीस्ट नंबर ऑफ डैफनिया पूछा ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ डैफनिया तो डैफनिया इज इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर दस इट इज नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। हायर द वैल्यू ऑफ BOD हायर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी एंड दैट ऑफ डॉटर इज ए बी। द जीनोटाइप ऑफ द मदर वुड बी आंसर विल सी IA IA और IB IB। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज अ मल्टीपल एलिलिक कैरेक्टर्स इन विच 3 एलील्स IA IB एंड IO कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ 4 फिनोटाइप्स। इन दिस इनहेरिटेंस द चाइल्ड रिसीव्स 1 एलील फ्रॉम मदर एंड 1 एलील फ्रॉम फादर। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द मेथड दैट इज इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA इज रेफर्ड टू एज। आंसर बी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेज। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA रिफर्स टू एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स ऑफ पाइसम सैटिवम वेयर स्टडीड बाई मेंडल इन द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट है सीड शेप सीड वेट सीड कोट कलर सीड स्टार्च ग्रेन साइज और सीड नंबर। तो आंसर होगा ए 1 एंड 3 यानी सीड शेप और सीड कोट कलर। मेंडल स्टडी टू सीड कैरेक्टर फ्रॉम द अबव
ही स्टडी सीड शेप इन विच राउंड इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज रिंकल्ड इन इन सीड कोट कलर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ह्यूमंस इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी। आंसर विल बी सी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोजोम्स प्लस XXY। ये जो है हमारा करेक्टली मैच्ड है और बाकी सारा जो है इनकरेक्ट मैच है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देर आर थ्री सेक्स क्रोमोजोम्स XXY रैदर देन नॉर्मल XX और XY। द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स आर नॉर्मल दैट इज 44। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अपेरेंटली मेल बट आर टॉल एंड थिन विथ स्मॉल टेस्टिस। फेल्योर ऑफ नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन एजियोस्पर्मिया इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट गैनेकोमेस्टिया एंड एब्सेंस ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स। व्हेन अ सिंगल जीन एक्सप्रेसेज मोर देन वन इफेक्ट द फेनोमेनन इज कॉल्ड आंसर सी प्लियोट्रोपी। सिंगल जीन अफेक्टिंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच मे बी फिजियोलॉजिकली अनरिलेटेड। प्लियोट्रोपिक जीन्स हैव अ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट बिकॉज इट कैन कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया सिस्टिक फाइब्रोसिस और मॉर्फन सिंड्रोम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे। एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.6 एंड दैट ऑफ स्मॉल ए इज 0.4। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगोट्स इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। आंसर विल बी डी 0.48। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट एलील फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवेन एज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वेयर पी रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड क्यू रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। द बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग लॉ टू कैलकुलेट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर क्यू वेयर पी स्क्वायर इक्वल टू होमोजाइगस डोमिनेंट 2 पी क्यू इक्वल टू हेटरोजाइगस डोमिनेंट और क्यू स्क्वायर इक्वल टू होमोजाइगस रिसेसिव। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.48। ओके तो एक ये जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में भी आ चुके हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज ये भी क्वेश्चन आज पिछले बार आ चुका है। बैक्टीरियोफेज हैज 4,8,5,0,2 बेस पेयर्स इन जेनेटिक मटेरियल। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज आंसर सी राइजोबियम। क्योंकि राइजोबियम जो है लेगुमिनस प्लांट है सॉरी सोयाबीन लेगुमिनस प्लांट है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन मदर सेल इनटू अ मैच्योर पॉलन ग्रेन इंक्लूड्स आंसर बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इजी क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन ये भी क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है। 1987 हैज साइंड इन 1987 एंड हैव बिकेम इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए बी बी क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव द रेशियो ऑफ एफ टू जीनोटाइप्स बिटवीन होमोजाइगस ए एंड बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड होमोजाइगस रिसेसिव डायहाइब्रिड क्रॉस वुड बी। आंसर विल बी सी 1:2:2:1। ओके ये सारे रहे क्रॉस और इससे हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स ऑफ जीन इंप्रेसिंग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन आंसर विल बी सी सैक्रेड ग्रुप्स। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड सैक्रेड ग्रुप्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन आंसर इज बी द नीडल मैन वाज विद अ ब्रेन साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड वाज होमो हैबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 to 800 cc। द नीडल्सन मैन वाज विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ मॉडर्न मैन 1450 cc। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न ह्यूमो
सेपियंस सेरो। जो हमने यहाँ ट्रिक भी बताया था होमो हैबिलिस का, निदर्थल मैन का और होमो इरेक्टस का। हमने होमो इरेक्टस का बताया था कि होमो तो सारे में कॉमन है मैक्सिमम में, ई फॉर इरेक्टस, ई को अगर रिवर्स करेंगे तो 9 बनेगा, तो 900 cc हो जाएगा। और होमो हैबिलिस एच फॉर हेक्सा होगा, यानी हेक्सा मतलब 6, तो 6 52 800 ऐसे याद रख सकते हैं। और निडल्थर का भी हमने बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि N4 होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 1400 cc ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हमारा सारा बायो का हो गया। अगर स्ट्रीक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, नए जो व्यूअर्स हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि सारे जो मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन है, क्योंकि जो वीडियो है आपको मिल जाएंगे। तो अब आते हैं हम फिजिक्स पे, देन आएंगे केमिस्ट्री पे, सॉरी पहले आएंगे केमिस्ट्री पे देन आएंगे फिजिक्स पे। केमिस्ट्री के लिए आप RG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे या फिर BICS इंडिया पे आप देख सकते हैं फुल वीडियो, या फिर जो KPS चौहान जो हैं उस चैनल पे भी आप केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, सॉल्यूशन NTA मॉक टेस्ट का। और फिजिक्स के लिए आप हेल्पिंग हैंड बाय सिद्धार्थ सर और RG एकेडमी पे भी आप फिजिक्स के सारे जो सॉल्यूशंस है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जो है केवल क्वेश्चन रीड करेंगे और ऑप्शन यहाँ पे बता देंगे और जो सॉल्यूशन है यहाँ पे शो कर देंगे। ये सॉल्यूशन में आपको देखना होगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ह्यून्स रूल आर वायलेटेड इन, आंसर बी 2s और 2p में जो है यहाँ पे वायलेट हो रहा है। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ह्यून्स रूल आर वायलेटेड इज द इस पर ऑर्बिटल इज कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन्स एंड पी और पी सबसेस एट द पी ऑर्बिटल आर नॉन नॉट फर्स्ट सिंगली फील्ड। अकॉर्डिंग टू ह्यून्स रूल पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स गेट सिंगली फील्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आर, आंसर विल सी लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटेलिक एटम। IUPAC नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या है, आंसर होगा बी सॉरी डी 2 कार्बामाइल बेंजोइक एसिड। द वैल्यू ऑफ एन इन MnO4- प्लस 8H प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O इज, आंसर बी A5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैलाइड्स हैज द लोवेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, आंसर बी DCSi। और ये रहे एक्सप्लेनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, आंसर विल बी बी। और ये रहे एक्सप्लेनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स न्यूक्लियोफाइल्स ओनली, आंसर विल बी Br(CH2) CN- CH3CH2OH। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इथॉक्सीथेन द हाइड्रोकार्बन विच इज नॉट फॉर्मड इज, आंसर विल बी प्रोपेन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस इंस्टेड ऑफ यूनी पॉजिटिव आयंस बिकॉज, आंसर विल सी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ डाई पॉजिटिव आयंस कंपनसेट्स द हायर वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। NaCl इज डॉप्ड विथ 2×10⁻³ मोल परसेंट SrCl2, द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज, आंसर विल सी 6.02×10⁻¹ पर मोल। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज डायगोनल रिलेशनशिप बिकॉज दे, आंसर सी हैव सिमिलर पोलराइजिंग पावर। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आंसर विल बी ए एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल एज फॉलोज, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल टू हीट, आंसर विल बी DSClO4। HI वॉज हीटेड इन अ स्टील ट्यूब एट 440 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम वॉज रीच्ड, HI वॉज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज, द इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट फॉर डिसोसिएशन इज, आंसर विल बी सी 0.0199। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 0.20 मोल ऑफ सोडियम साइनेट NaCNO एंड 1.0 मोल ऑफ साइनिक एसिड HCNO इज एनफ इन एनफ वाटर टू मेक 1.0 लीटर ऑफ सोल्यूशन, के इक्वल टू
2.02 × 10⁻⁴, आंसर विल बी 3.0। इन द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल पीक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सी एस थ्री होल थ्राइस सी प्लस इज अ स्लो स्टेप। CuNH3 whole 5 SO4Br and CuNH3 whole 5 Br SO4R, answer will be C, ionization isomers। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, आंसर विल बी ए बर्क रिडक्शन। बर्क रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स इन लिक्विड अमोनिया विद सोडियम लिथियम और पोटेशियम एंड एन अल्कोहल सच एज इथेनॉल। द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, आंसर होगा ए -7.43। डेल्टा एच माइनस डेल्टा इक्वल टू माइनस इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एन आई सी डी सेल, आंसर ए के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटालिक आयन एम टू प्लस हैज एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ 2, 8, 14 एंड इट्स मास इज 56 amu। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज, आंसर विल बी 30। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन सुक्रोज सी 12H22O11 इज, आंसर विल बी डी 0। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स, आंसर विल बी डी Cr2O3। द नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ इट्स 0.1 m सॉल्यूशन इज, आंसर विल बी सी 12.04 × 10⁻¹⁹। द रिएक्शन ऑफ आर सी एन विथ आर डैश एम जी एक्स फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस गिव्स, आंसर बी अकीटोन। एडिशन ऑफ आर्सेनिक इन स्मॉल अमाउंट टू प्योर जर्मेनियम विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आंसर ए एन टाइप सेमी कंडक्टर। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स कॉमनली इम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जनरली इम्प्लॉयड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, आंसर सी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड कंटेनिंग CaCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अल्कली मेटल्स, आंसर विल बी बी सोडियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। द मेजर्ड वोल्टेज ऑफ द सेल एट 25 °C गिवन इन योर सेल इज इक्वल टू 0.0 volt, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आंसर विल बी सी 3.73। At 90 °C, pure water has H3O plus equal to 10⁻⁶ mole per liter. What is the value of Kw at 90 °C? Answer will be 10⁻¹². Which of the following is a polyhydrocarbon? Answer will be natural rubber. If the sequence of bases in one strand of DNA is ATGACTGTC, then the sequence of the bases in complementary strand is, answer will be A, TSC, TGA, CAG. The Brownian motion is found is due to, answer will be C, impact of the molecules of the dispersal medium on the colloidal particle. The activation energy of a reaction is zero. The rate constant K of the reaction, answer will be D, is independent of temperature. Fluorobenzene is prepared conventionally, answer A, by heating benzene diazonium tetrafluoroborate. The conjugate base of HO CH3 CH2 whole thrice NH2 is, answer will be D, answer will be C, O minus CH2 whole thrice NH2. फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे होगा एन आई सी एन होर 4 2- इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी फ्लोरीन क्लोरीन और जो फ्लोरीन है वो सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड है, और सी एन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली शो करते हैं। Which of the following statements is incorrect regarding positive deviation from ideal behavior? Answer will be B. Answer will be D. Gibbs energy change delta G is positive. Which of the following does not affect the periodicity of the elements? Answer will be D. Neutron proton ratio.
द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ फेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एनओएच इज कॉल्ड, आंसर विल बी ए स्कॉटेन बॉमन्स रिएक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरएनए इज नॉट करेक्ट, आंसर विल सी इट डज नॉट कंटेन्स एनी पायरिमिडिन बेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर्स, आंसर विल सी एजीबीआर हैज जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एच टू ओ टू, आंसर विल बी डी एच टू ओ टू डज नॉट रिएक्ट विथ एसिडिफाइड KNO4। ये जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ये भी सही है। एच टू ओ टू इज केप्ट इन वैक्स लाइंड बोटल, एच टू ओ टू एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और सी है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ एच सी एन एंड द एडिशन प्रोडक्ट सो ऑब्टेंड इज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दिस कंपाउंड शोज आंसर ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, आंसर बी हैलोजन शो वनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एजेंट एज अ मॉलिक्यूल्स फॉर्म इंट्रा इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्ड्स, और डी है फ्लोरिन इज हाईली रिएक्टिव। ओके, ये तो सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी अपडेट चाहिए आपको सारे आ जाएंगे एनटीए नीट मॉक टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे फिजिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे है फिजिक्स के जितने भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आरजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे या फिर हेल्पिंग हैंड बाय सिद्धार्थ सर से आप जो है डिटेल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम बस सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर बताएंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन वीडियो है, और जो है सॉल्यूशन हम शो कर देंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू द स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज, आंसर डी 2.2 × 10⁻¹⁰ सेकेंड। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग सर्किट, आंसर विल बी डी और गेट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एन आइडियल पी एन जंक्शन डायोड फॉर सोन सर्किट, आंसर विल बी सी 2 वोल्ट। एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 50 km/h कैन बी स्टॉप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 90 km/h ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम एंड एज्यूमिंग नो स्कीडिंग द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर इज, आंसर डी 121.6। अ फ्लैट मिरर एम इज अरेंज्ड पैरेलल टू द वॉल डब्ल्यू एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट, द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स एस केप्ट ऑन द वॉल इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड प्रोड्यूसेस अ लाइट स्पॉट ऑफ द वॉल, द मिरर मूव्स विद वेलोसिटी वी टुवर्ड्स द वॉल। A flat mirror M is arranged parallel to the wall W at a distance L from it. The light produced by a point source S kept on the wall is reflected by the mirror and produces a light spot on the wall. The mirror moves with velocity V towards the wall. Answer will be D. The size of the light spot on the wall remains the same. A right isosceles triangle of side A has charges q, 3q and minus q arranged on its vertices as shown in the figure. What is the electric potential at point P midway between the line connecting the plus q and minus q charges? Answer will be D, 3q by 2 under root 2 pi epsilon naught A. A stone of mass 1 kg is tied to a string 4 meter long and is rotated at a constant speed of 40 meter per second in a vertical circle. The ratio of the tension at the top and the bottom is, answer will be B, 39:41. The potential difference between A and B in the following circuit is, answer will be A, 4 volt. A person observes that the full length of a train sustains an angle of 15 degree if the distance between the train and the person is 3 km. The length of the train calculated using the parallax method in the meters will be, answer will be C, 250 pi meter. The work that must be done in lifting a body of weight P
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट एच इज? आंसर विल बी सी पी आर एच बाई आर प्लस एच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आंसर बी गामा रेज। टू आइडेंटिकल नैरो स्लिट्स एस वन एंड एस टू आर इल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ अ वेवलेंथ लेमडा फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स पी। इफ एज शोन इन द डायग्राम अबव द लाइट इज देन अलाउड टू फॉल ऑन अ स्क्रीन एंड इफ एन इज द पॉजिटिव इंटीजर द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट क्यू इज। आंसर विल बी डी एल वन प्लस एल थ्री माइनस एल टू प्लस एल फोर इक्वल टू टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर रोल्स ऑन द ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिव एक्सलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज? आंसर विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil of a transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2200 volt and 50% of power is lost, then the current in the secondary coil is? Answer will be A 0.25 ampere. Two charges Q1 and Q2 are placed 30 cm apart as shown in the figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm. From C to D, the change in the potential energy of the system is Q3 by 4 pi epsilon naught K, where K is? Answer will be C, 8 Q2. Six identical conducting rods are joined as shown in the figure. Points A and D are maintained at 200 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. The temperature of junction B will be, answer will be C, 140 degrees Celsius. A radioactive sample S1 having activity A1 has twice the number of nuclei as another sample S2 activity A2. If A2 equal to 2A1, then ratio of the half life of S1 to the half life of S2 is? Answer will be C, 4:1. The dimensional formula for permittivity of free space epsilon naught in the equation F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q2 R square, where symbols have their usual meanings, each answer will be B, M minus 1 L minus 3 T 4 8 2. Two strings A and B of lengths LA equal to 80 cm and LB equal to X cm respectively are used separately in a sonometer. The ratio of their density is 0.81. The diameter of B is 1/2 that of A. If the strings have the same tension and fundamental frequency, the value of x is? Answer will be C, 144. In a diagram, the intensity of waves arriving at D from two coherent sources S1 and S2 is I0. The wavelength of that wave is lambda equal to 4 meter. Resultant intensity at D will be? Answer will be C, 2I0. Ionization energy of He plus ion at minimum energy position is? Answer will be C, 54.4 electron volt. A particle moves along x axis as x equal to 4 into t minus 2 plus a into t minus 2 to the whole square. Which of the following is true? Answer will be the acceleration of particle is 2a. A disk of radius r and mass capital M is pivoted at the rim and is set for small oscillations. If simple pendulum has to have the same period that of the disk, the length of the simple pendulum should be? Answer will be D, 3/2 R. Power supplied to a particle of mass 2 kg varies with time as P equal to 3 T² / 2 W. Here t is in second. Velocity of particle at t equal to 0 is v equal to 0. The velocity of particle at time t equal to 2 second will be? Answer will be C, 2 meter per second. For an electron in the second orbit of Bohr's model of hydrogen atom, the moment of linear momentum is? Answer will be d h by pi. Radiations of two photons energy twice and 10 times of the work function of metal are incident on metal surface successively. The ratio of maximum velocity of photoelectrons emitted in two cases is? Answer will be 1:3.
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम हैज वेलोसिटी वी इक्वल टू वी इंटू आई कैप प्लस जे के कैप बाई अंडर रूट टू इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द ऑरिजिन इट्स स्पीड एज द फंक्शन ऑफ वाई इज आंसर विल बी सी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस टू की वी बाई एम इंटू वाई। सिक्स मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस परफॉर्म्स अ साइकिल शोन इन द फिगर द टेम्परेचर आर टी ए इक्वल टू 600 केल्विन टी बी इक्वल टू 800 केल्विन टी सी एंड टी सी इक्वल टू 22,000 केल्विन एंड टी डी इक्वल टू 1200 केल्विन द वर्क डन बाय द साइकिल ए बी सी डी ई इज आंसर विल बी सी 40 किलो जूल। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज आंसर विल बी सी लॉन्गिट्यूडनल एंड सीयर। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज हीटेड थ्रू टी डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द फोर्स बिटवीन फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड लेंथ वाइज आंसर विल बी वाई ए अल्फा टी बाई वन प्लस अल्फा टी। द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड द मैग्नेट इज कट अलॉन्ग इट्स लेंथ इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स विच आर देन प्लेस्ड ऑन इच अदर विथ दियर लाइक पोज टूगेदर द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी आंसर विल बी ए 2/3 सेकेंड। हुप लूप होगा कि लूप होगा लूप रॉल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग विथ अ लिनियर स्पीड वी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल पी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप एट एंगल थीटा इज आंसर वी ए 2V sin θ/2। ओके द एमीटर रीडिंग इन द गिवन सर्किट ऑफ फिगर इज आंसर वी ए 15/32। इन द गिवन फिगर कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए इज चार्ज अप टू चार्ज क्यू द रेशियो ऑफ इलोंगेशन निगलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन स्प्रिंग सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम पोजिशन इज आंसर विल बी K2/K1। अ गैसेस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन द रेशियो CP/CV ऑफ द मिक्सचर इज आंसर विल बी डी 1.62। एन अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज कनेक्टेड टू अ बीड ऑफ मास एम विच कैन मूव अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस रॉड एज शोन इन द फिगर इफ द पार्टिकल स्ट्रक्स द बीड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल एंड स्टिक्स टू इट देन द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर द कोलिजन इज आंसर विल बी बी वी बाई टू अंडर रूट एम बाई के। अ मैग्नेटिक वायर ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज आंसर विल बी सी 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द रेडियो एक्टिव सैंपल इज वन हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 5 μ क्यूरी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल एच टू विथ विच हैज एक्टिविटी ऑफ 10 μ क्यूरी द हाफ लाइफ ऑफ एस वन एंड एच टू कैन बी आंसर विल बी ए 20 ईयर एंड 5 ईयर रेस्पेक्टिवली। द पोजिशन फैक्टर्स ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इन द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर आर वन एंड आर टू द पोजिशन फैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज गिवेन बाई आंसर विल बी डी आर वन प्लस आर टू बाई टू। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स हैज लैम्डा इक्वल टू 6.5 इनटू 10 टू द माइनस 7 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी आंसर विल बी 1.63 मिलीमीटर। द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज आंसर बी ए 10 इनवर्स 3/4।
लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप सो फॉर्म्ड द स्पीड ऑफ बिग ड्रॉप इज गिवेन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड टी डेंसिटी रो आंसर डी अंडर रूट 6 t बाई रो इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजेंटल विथ काइनेटिक एनर्जी ई के द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज आंसर सी ई के साइन स्क्वायर थीटा. टू रॉड्स ओ एंड ओ बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड मास आर लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर लेट आई एक्स आई वाई एंड आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ रॉड्स अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड रॉड्स सिस्टम इज आंसर बी आई एक्स इक्वल टू आई 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 एक्स इक्वल टू आई वाई इज लेस देन आई जेड. ओके, तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन टेस्ट नंबर 76 के. तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, और नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना. ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे सारे मॉक टेस्ट के, जब तक NTA नहीं हो जाता है तब तक, जब तक NTA मॉक टेस्ट आता है तब तक. ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे. और जिन्हें NTA के सारे मॉक टेस्ट चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके व्हाट्सएप जरूर करें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.